प्रणाली ने फिर घोटा दिल्ली का दम। इक्कीसों जगहों पर जली पराली से बढ़ा प्रदूषण। दिल्ली में दो दिन भारी एयरलॉक का खतरा। दिवाली के तीन दिन बाद भी दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। पटाखे का धुआं तो उड़ गया, लेकिन पराली ने दिल्ली का संकट फिर बढ़ा दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी का दावा है कि दिवाली के अगले दिन यानी 8 नवंबर को सीजन की सबसे अधिक पराली जलाई गई। इस दौरान 2100 जगहों पर पराली जली, जिसकी वजह से पहले से खराब दिल्ली की हालत और बिगड़ गई। जानकारों का दावा है कि दिल्ली पर एयरलॉक का खतरा बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में प्रदूषक तत्वों की वजह से हवा की रफ्तार बेहद कम हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर को नुकसान देने वाले वो कण हवा में लगातार तैरते रहते हैं और धीरे धीरे आपकी सांसों में घुल जाते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आने वाले दिनों में स्थिति गंभीर होने की आशंका है, क्योंकि तापमान गिरने से जो ये धूल के सूक्ष्म कण हैं, ये जमीन के आसपास रहते हैं और ये हवाओं के चलने, हवा की गति में रुकावट होने के कारण डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं, डिसिपेट नहीं हो पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, जिससे जो पोल्यूशन का लेवल है वो हवा में लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए निर्माण कार्य, कोल्ड इंडस्ट्री और ट्रकों की एंट्री पर कल तक के लिए बैन लग गया है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर हवा की गुणवत्ता की बात करें तो आनंद विहार में PM10 611 और PM2.5 488 है। वजीरपुर में PM10 708 और PM2.5 581 है। मुंडका में PM10 726 दर्ज किया गया है, जबकि PM2.5 572 दर्ज किया गया है। यानी जो स्तर 0 से 100 के बीच में होना चाहिए था, वो 4 से 5 गुना ज्यादा है। दिल्ली के कई इलाके, इंडिया गेट, राजपथ, एयरपोर्ट के आसपास के जितने भी इलाके हैं, वहाँ पर सुबह के वक्त जो अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी काफ़ी हद तक जो है वो कम नज़र आई है और आने वाले दिनों में यही स्थिति जो है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आएगी और विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम होती हुई दिखाई देगी। उम्मीद थी कि दिवाली के बाद दिल्ली को प्रदूषण से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन पराली जलाने से हालत और बिगड़ गई।